हे गाइस नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर कुमारी प्रिया एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी भुट्टे का सीज़न है और मार्केट में भुट्टे बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं और बाद में इसे हम खरीदने जाते हैं तो ये बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत सारी रेसिपी में कॉर्न को डाला जाता है तो उसके लिए हमें इसे खरीदना ही पड़ता है, चाहे महंगा हो या सस्ता हो। तो अभी भुट्टा बहुत ही सस्ता है तो इसीलिए इसी सीज़न में हम इसको स्टोर करके रखेंगे ताकि ये एक साल तक एकदम ख़राब भी नहीं हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इसे हम स्टोर करके कैसे रखेंगे ताकि ये एक साल तक ख़राब ना हो और ऐसे ही फ्रेश रहें। और साथ ही बहुत लोगों को प्रॉपर तरीके से मकई छुड़ाने नहीं आता है, इसमें बस एक से दो श्रीखा में लगाना होता है और हमारा मकई बहुत दो से तीन मिनट में ही एकदम पूरा छूट करके रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने लिए हैं दो मकई और ये मकई को हम सबसे पहले क्या करेंगे, छील करके ले लेंगे और इसको हम बीच से इस तरह से तोड़ लेंगे। मकई को आप पूरा छुड़ाना चाहेंगे तो इसे छुड़ाने में बहुत टाइम लग जाते हैं तो इसीलिए इसे हम बीच से इस तरह से तोड़ लेंगे और अब इसे हम बहुत आसानी से छुड़ा लेंगे। ये देखिए बस उंगलियों से इसके दाने को हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे और सारे दाने अपने आप निकल जाएंगे। तो बहुत ईजी है इसे छुड़ाना। तो एक तरीका ये हो गया इसे छुड़ाने का और दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एक चाकू या चम्मच ले लेंगे और इसके एक या दो लाइन को निकाल लेंगे। चम्मच अगर आप लेंगे तो चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इसी तरह से जैसे चाकू को हम घुसा रहे हैं, चम्मच के पीछे वाले हिस्से को भी इसी तरह से घुसा करके भुट्टे का एक से दो लाइन निकाल लेना है दाने को और फिर दाने को हम ऐसे साइड कर करके निकाल लेंगे। एकदम आसानी से ये छूट जाएंगे, एक से दो मिनट नहीं लगेंगे आपको एक भुट्टा छुड़ाने में। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी के सारे भुट्टे के दाने भी छुड़ा करके ले लेंगे। तो मैंने सारे भुट्टे के दाने को छुड़ा करके ले लिया है, मैंने दो भुट्टे लिए थे। मकई के दाने को छुड़ा लेने के बाद अब इसको हम स्टोर करके कैसे रखेंगे ये प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए हम एक बर्तन या पैन में ले लेंगे एक से डेढ़ गिलास पानी और पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, ये देखिए पानी हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसी टाइम में इसमें हम डाल देंगे सारे मकई के दानों को यानी कि कॉर्न को। सारे कॉर्न को इसमें डाल लेने के बाद इसे हम बॉईल करेंगे तीन से चार मिनट के लिए। इसे बॉईल करने का मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीका बता रही हूँ। पानी में मकई के दाने डालते के साथ ही सारे दाने नीचे बैठ गए हैं, बस थोड़े से दाने ऊपर में हैं जो टूटे हुए हैं। तो जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे सारे दाने धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगे। जब सारे दाने ऊपर आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे मकई अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो बस इसी टाइम में इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। तो ये देखिए नमक इसमें डाल देंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम दो चम्मच चीनी। हम चीनी इसमें इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि चीनी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ये इसे एक साल तक स्टोर करके रखेगा और ख़राब होने नहीं देगा। हम इसे स्टोर करने के लिए बाहर का कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे, घर की सामग्री का इसमें यूज़ करके हम इसे स्टोर करके रखेंगे ताकि एकदम हेल्दी रहे। अब चीनी और नमक को इसमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब सारे दाने को हम ऊपर आने के लिए छोड़ देते हैं और इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं। दो से तीन मिनट ही लगेंगे और सारे दाने एकदम अच्छे से ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए हमारे कॉर्न एकदम अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं, सारे कॉर्न ऊपर आ चुके हैं। तो बस इसी टाइम में हम गैस को कर देंगे बंद और सारे कॉर्न को छान करके निकालेंगे। तो इसको छान लेंगे और इसको छान करके निकालेंगे हम एकदम ठंडे पानी में। तो आप ठंडे पानी का बाउल पहले से तैयार करके रखिएगा, चाहे उसमें बर्फ डाल के ठंडा कर लीजिएगा चाहे एकदम ठंडा फ्रीजर का पानी यूज़ करिएगा, क्योंकि ठंडे पानी में जैसे ही हम इसे डालेंगे इसकी कुकिंग रुक जाएगी और ये एकदम इसी तरह से एकदम येलो सुंदर से लगेंगे देखने में और एकदम खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इसकी कोई रेसिपी भी बना करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे स्टोर करने के लिए बॉईल किए हैं तो हम इसे स्टोर करके रखेंगे। तो पहले हम इसको एक बाउल के ऊपर या किसी भी बर्तन के ऊपर रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और छन्नी के ऊपर इसे हम रहने देंगे। जब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तब हम इसको स्टोर करके रखेंगे। ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और जब हम इसे 8-10 महीने बाद भी निकालेंगे तब भी ये इसी तरह से फ्रेश ही रहेंगे। बस हमें इसका सारा पानी सुखा देना है और इसको स्टोर करके फ्रिज में रखना है। इसमें हमने थोड़ा सा चीनी डाला है तो इसका मिठास हल्का सा बढ़ गया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये स्वीट कॉर्न है तो हल्के तो ये मीठे होते ही हैं। अब ये देखिए हमारे सारे स्वीट कॉर्न का पानी एकदम अच्छे से निकल चुका है तो अब इसको हम स्टोर करके रखेंगे। तो इस तरह का जिपर बैग अगर आपके पास है तो जिपर बैग ले लीजिए, नहीं तो कोई भी प्लास्टिक का बैग है उसे ले लीजिए और इसमें हम स्टोर करके रखेंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बैग में रख सकते हैं और जब मन हो निकाल करके एक पाउच को बना सकते हैं। सो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आप सभी को जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जो एकदम फ्री है और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।